आप देश में हो या विदेश में, प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री आपसे सिर्फ एक क्लिक दूर हैं। सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से आज हम पॉजिटिव खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। सऊदी अरब से आए वीडियो से सऊदी अरब में फंसे 19 भारतीयों ने ट्विटर पर सरकार से मदद मांगी और सरकार मदद के लिए हाजिर हो गई। मैं आया हूँ सऊदी कमाने के लिए, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है। सऊदी अरब से एक दर्द भरी आवाज आई है। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो बहुत शेयर करें, ये हमारे वीडियो को नरेंद्र मोदी या सुषमा स्वराज तक पहुँचाएं। जहाँ पे मैं रहता हूँ ये सऊदी अलबाह निमरा करके ये स्थान है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझको यहाँ से भेज दें, भेज भी नहीं रहा है। ये देखिए वीडियो, सब ईटा फैला हुआ है, यही सब कहता है दिन भर यही साफ करा करो। यही सब करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पैसा भी नहीं मिलता कि मैं कुछ कर सकूं। इस वीडियो ने 5000 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर दिया। सऊदी में आकाश अकेला नहीं, 18 भारतीय और फंसे हुए हैं। महत्तर रैली तरीक मदीना किंग सऊद रोड अबूर सुमाली में 18 आदमी फंसे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। एम्बेसी हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। आप लोग हम लोगों की मदद करें, हम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि हम लोगों की हेल्प हो सके। सऊदी अरब में फंसे 19 भारतीयों ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी। वीडियो में सुषमा स्वराज को बताया कि बुरे हालात में जीवन बसर कर रहे हैं। ट्वीट के जरिए ही सुषमा ने मदद का पूरा भरोसा दिया। आकाश, मैंने ये वीडियो देख लिया है, तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। मैंने सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी को बोल दिया है। ये कहानी सऊदी अरब के जेद्दा की है, जहाँ कुछ भारतीय जीविका कमाने गए थे, लेकिन उनसे वहाँ बिना मेहनताना मेहनत कराई जा रही है। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्द से जल्द इंडिया बुला लें, इसलिए हम लोग का ना यहाँ रहने का ठीक है ना खाने का ठीक है। सुषमा स्वराज ने भारतीय एम्बेसी के जरिए मदद देने का भरोसा दिया है। 3 दिन पहले भी भारत सरकार की दखलंदाजी के बाद 3 भारतीय मजदूर अपने घर तिरुवनंतपुरम पहुंच सके थे।